अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बाबर अली। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लिगेंड्स क्या होते हैं और लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ें। तो जब भी हमने पीछे पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स की बात होती है तो उसमें लिगेंड का कंसेप्ट जरूर होता है। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, जब भी कोई लिगेंड जब भी लिगेंड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करेगा, तो उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलेंगे। एक्चुअल में हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट आर लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, दोज एटम्स आयंस आर मॉलिक्यूल्स, एटम्स आयंस आर मॉलिक्यूल्स विच डोनेट क्या करते हैं, डोनेट करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को आर कॉल्ड लिगेंड्स। जिस तरह ये है, ये हमारे पास लिगेंड है, इस पे क्या इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या करेगा मेटल को डोनेट करेगा। तो इस तरह ये जो एटम या मॉलिक्यूल या आयन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, अच्छा ये जो मेटल्स की बात कर रहे हैं ना, ये ट्रांजिशन मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, ना कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं जिनमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक हो गया, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती हैं, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास और जो लिगेंड होता है उसके पास लोन पेयर या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि वो मेटल को डोनेट कर सके, ये बातें याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमोनिया, ठीक है, अब ये जो अमोनिया है इसके पास एक लोन पेयर होता है, अब अमोनिया क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए अमोनिया एक क्या होगा, लिगेंड होगा। कोई भी मेटल है, ठीक है, एम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेटल को, तो लिगेंड्स क्या होते हैं, एटम्स आयन आर मॉलिक्यूल्स व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू सेंट्रल मेटल एटम। मेटल एटम्स कौन सी मेटल्स की बात हो रही है, जो के ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ना कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना। तो इसके बाद आ जाता है कंडीशन फॉर मेटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जाहिर सी बात है लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर, इजाफी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो तभी मेटल को देगा। अब मेटल के लिए भी ये कंडीशन है कि मेटल के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब डी ब्लॉक मेटल्स की बात कर रहे हैं तो डी ब्लॉक इसके डी ऑर्बिटल ही होना चाहिए। अब और एक और बात, मेटल का जो साइज है ना वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। साइज जो मेटल का है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। साइज स्मॉल क्यों होना चाहिए, जब साइज स्मॉल होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा लिगेंड से। और एक और बात है कि जो मेटल होती है उस पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और कोऑर्डिनेट कंपाउंड बने। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस का ये कंसेप्ट है। लिगेंड्स क्या होते हैं, चार्ज क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए मेटल का, और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। तो ये होते हैं लिगेंड्स। आगे क्लासिफिकेशन हुई है लिगेंड्स की। लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन तीन तरीके से हुई है, बेस्ड ऑन चार्ज, बेस्ड ऑन डेंसिटी, बेस्ड ऑन डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन इस पे जाने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि चार्ज पे, अब चार्ज पे एक होते हैं नेगेटिव लिगेंड्स। अब ये जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिस तरह सी एन नेगेटिव है। अब जाहिर बात है इसके पास, इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इस पे के पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो तभी ये मेटल को क्या करेगा, डोनेट करेगा। इस तरह ओ एच नेगेटिव है तो इस पे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये भी किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को अपने से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इसके बाद आ जाते हैं जी न्यूट्रल। अब न्यूट्रल जो होते हैं इन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल लिगेंड्स पे कोई चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जांपल अब न्यूट्रल लिगेंड्स पे चार्ज कोई नहीं होता, लेकिन इनके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, जो ये मेटल को डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CO, ठीक है, इसी तरह NH3 है,
इसी तरह वाटर है, तो इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं जो कि ये मेटल को आसानी से डोनेट कर सकते हैं। तो ये थी बेस्ड ऑन चार्ज। अब आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन डेंसिटी। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मेटल को एक लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो उसे हम बाइडेंटेट बोलेंगे। अगर एक सेंट्रल, ये देखिए ना हमारे पास ये मेटल है ठीक है, इसको अगर एक लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है ठीक है, तो ये क्या होगा, मोनोडेंटेट। ये क्या होगा, मोनोडेंटेट। अगर इस मेटल को दो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, बाइडेंटेट लिगेंड ठीक है ना। इस तरह डेंट ये होती है डेंटिसिटी के एक मेटल को कितने लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, इस बिना पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स होती है उसे हम बोलते हैं बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। तो पहला होता है मोनो मोनोडेंटेट लिगेंड्स, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जिनमें एक ही लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर, फॉर एग्जांपल NH3 है, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते, वाटर की ले लें एग्जांपल, और इस पे लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, हमारे पास सेंट्रल मेटल है Fe, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इसी तरह बाइडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनमें दो लिगेंड्स क्या करेंगे, दो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास CH2NH, डाइईथाइल अमाइन, इसके पास देखिए ये दो लिगेंड्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड। इसकी एक और एग्जांपल है C2O4 टू नेगेटिव ऑक्सलेट आयन, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल है। इस तरह NH3 जो है ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स की है। इस तरह अगर कोई लिगेंड, तीन तीन लिगेंड सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो ट्राइडेंटेट हो जाएगा। इस तरह टेट्रा पेंटा सो ऑन आप बुक से ये पढ़ सकते हैं। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन। अच्छा हमारे पास ये देखे ना अमोनिया है ठीक है, NH3, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, ये क्या कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो एक ही बांड बन रहा है तो ऐसे सिग्मा बांड बनेगा, क्या बनेगा, सिग्मा बांड। तो ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं सिग्मा डोनर लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा डोनर लिगेंड्स, जिनमें सिर्फ सिग्मा बांड बनाए, लिगेंड मेटल एटम के साथ क्या बनाए, सिग्मा बांड बनाए, ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा डोनर लिगेंड्स बोलते हैं। अब आगे ये जो मेन हमारा चैप्टर ही पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है, आगे आते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कौन से होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बोनाइल क्या है, लिगेंड है ठीक, इसके पास एक लोन पेयर है, ये क्या करता है, ये जो मेटल है ना सेंट्रल मेटल उसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। अब मेटल पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस पे जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, लो हो जाती है, पॉजिटिव करेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मेटल क्या करती है, मेटल ये चाहती है इसका जो नेगेटिव चार्ज है ना ये खत्म हो, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करना चाहती है, स्टेबल करना चाहती है। तो इसके जो फील्ड ऑर्बिटल होता है ना, जो इनर फील्ड ऑर्बिटल होता है, ये चाहती है कि मैं उसमें से ना एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दूं, डोनेट कर दूं ठीक है। उसके लिए देखें ये हमारे पास जो कार्बोनाइल है, इसके लिए मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझाने लगूं। ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो इस तरह से होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, यहाँ पे मैं p के ना ऑर्बिटल बना रहा हूँ, 2px 2py 2pz।
अब देखें इसके पास दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो ऐसे फिल अप हो जाएंगे। अब ये जो इसका 2p z ऑर्बिटल है ये खाली है, ठीक है। अब इसके पास ये एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके। अब मैटर क्या करना चाहती है कि अपना जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको क्या करना चाहती है, स्टेबल करना चाहती है। तो अगर मैटर जो है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये मैटर क्या करेगी, डोनेट करेगी, और ये जो हमारा लीगेंड है ना ये इसको क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ऑर्बिटल जो है ना वो ऑलरेडी खाली पड़ा हुआ है। तो इसने ये बांड बनाया सिग्मा। अब ये जो बांड बनेगा ना, जो फील्ड ऑर्बिटल से मैटर के ऑर्बिटल से इसने लिया, अब आप ये सोच रहे हैं कि मैटर भी इसको इलेक्ट्रॉन देगी। हाँ देगी, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस लिगेंड को देगी। तो ये लिगेंड ने अब कौन सा बांड बनाया, पाई बांड, यानी इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स लिए। इस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। क्या बोलेंगे, पाई एक्सेप्टर लिगेंड इसको बोलेंगे। अब इसका ये जो बांड है ये इस तरह, इस पे चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसका बांड इस तरह बन जाएगा। तो एक सिग्मा बांड बना, इसको हम सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलेंगे। इसकी और एग्जाम्पल है NO+। अब देखें इसमें, देखें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस की इस तरह से होगी, 1s2 2s2 2px2py 2pz। अब देखें इसमें भी अब होने तो तीन चाहिए थे, चूंकि इस पे प्लस चार्ज है, इसका भी ये ऑर्बिटल क्या है, खाली है। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट भी मेटल को कर सकता है, ये अपना मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी कर सकता है। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकता है क्योंकि इसका एक ऑर्बिटल क्या है, खाली है। इसी तरह एक एग्जांपल है CN-, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के बाद मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकती है। तो इनका जो एक्सेप्टेंस पाई एक्सेप्टेंस ऑर्डर होगा ना, अच्छा इसको हम बैक डोनेशन भी बोलते हैं। इसको हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स को, ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, बैक डोनेशन बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर इसने दोबारा एक्सेप्ट किया। तो जो इनका जो एक्सेप्टेंस ऑर्डर होगा ना वो CN- जो है ये इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इस पे सॉरी इसका जो है वो कम होगा। जो NO+ है ना, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये जल्दी से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका ज्यादा होगा CO से। CO न्यूट्रल है क्योंकि इस पे इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, इससे और ज्यादा मुश्किल होगा CN- को, क्योंकि इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की रिपल्शन की वजह से ये इसका एक्सेप्टेंस ऑर्डर लो होगा। तो ये था आज का टॉपिक हमारा कि लिगेंड्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स हमने पढ़ी, उसके बाद बाय एक्सेप्टर लिगेंड्स पढ़े। तो आई होप आपको समझ आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।